हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। यानी कि दोस्तों, हम लोग हमेशा बात करते हैं मैट्रिमोनियल इश्यूज की, आज भी हम मैट्रिमोनियल इश्यूज की बात कर रहे हैं, लेकिन बात थोड़ा अलग तरीके की हम करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हो, बहुत लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, जैसे कि अगर हम मैट्रिमोनियल मुकदमों की बात करें तो सेक्शन 498A IPC हो सकता है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 34, सेक्शन 323, सेक्शन 504, सेक्शन 506 भी लगा दिया जाता है और कई बार वाइफ के कहने पर सेक्शन 377 भी लगा दिया जाता है। और कई बार वाइफ ये भी कह देती है कि भाई मेरा जो गला था वो इन्होंने घोटने का प्रयास किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया, और ये सब कह करके सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी आपके ऊपर लगा दिया जाता है। या फिर कुछ लोगों पर फॉल्स रेप केस लगा होता है, यानी कि सेक्शन 376 का चार्ज लगा करके मुकदमा कायम करवा दिया जाता है और वो वर्षों से उस मुकदमे को झेल रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जिससे आप सबको 100% राहत मिलेगी। आप अपने अपने मामलों में इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं यदि आप भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर जरूर आ जाएं, ताकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें और आगे यदि किसी कॉज के लिए हमको जाना पड़े तो वहां हम सब लोग एकजुट हों, एक साथ हों। इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप उन लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट, लीगल वीडियो, लेटेस्ट जजमेंट आपके लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझ लेते हैं। इस मामले में सबसे पहले एक FIR दर्ज हुई अंतर्गत धारा 34, 323, 324, 307 ऑफ IPC, यानी कि मार पिटाई, गंभीर चोट और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज इस FIR के अंतर्गत था। अब दोस्तों, होता क्या है, जब FIR में कुछ इस तरह के संगीन चार्जेज होते हैं, लाइक 498A या 307 या 376 या 377, तो ऐसे में दोस्तों ये माना जाता है कि इसमें अब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जनरली प्रैक्टिस में भी यही होता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। होता क्या है, मामले बहुत समय तक चलते हैं तो ऐसा नहीं है केवल हस्बैंड पक्ष ही परेशान होता है, लड़का पक्ष ही परेशान होता है, लड़की वाले भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, कोर्ट में आते हैं, उनका भी हैरेसमेंट कहीं ना कहीं होता है और उनको भी अपनी तरफ से एविडेंस देने पड़ते हैं, सब काम करने पड़ते हैं, तो ऐसे में हैरेसमेंट उनका भी होता है। फिर कई बार लड़की का घर आगे बसाना होता है तो ऐसे केस में बड़ी मुश्किल होती है। अगर लड़की को 10 डेट पे जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसके जो परिवार वाले होंगे नए, वो उस पर एतराज करेंगे, उनकी नजरों में सारी चीजें आ जाएंगी, तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता है, तो लड़की वाले भी इतना लंबा खींचना नहीं चाहते। लेकिन जोश जोश में उस समय तो मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब ये मुकदमे लंबे चलते हैं तो लड़के को तो परेशानी होती है, इसके साथ साथ लड़की और उसके परिवार वालों को भी परेशानी होती है। तो ऐसे में कई बार होता है कि दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि इन मामलों को हम निपटा लें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता टेक्निकल एंगल से, बिकॉज इस तरह के संगीन अपराध का FIR अगर दर्ज हो चुकी है और अब आप इसको कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करते हैं तो ऐसे में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। ये जो संगीन अपराध होते हैं नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, तो ऐसे में आप फंस जाते हैं। अब दोस्तों, ये जजमेंट आपको बताएगा कि ऐसे संगीन मामलों में भी आप सेक्शन 482 CRPC में जा सकते हैं समझौते के आधार पर। देखिए दोस्तों, पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले FIR दर्ज हुई सेक्शन 34, सेक्शन 323, सेक्शन 324, सेक्शन 307 ऑफ IPC में, उसके बाद चालान पेश हुआ कोर्ट में और उसके बाद सारे एक्यूज पर जो चार्जेस थे वो भी फ्रेम हो गए, और उसके बाद जब फाइल इविडेंस की स्टेज पे पहुंची तो दोनों ही पार्टी के बीच में समझौता हो गया, यानी दोनों ही पार्टी को समझ में आ गया कि कोर्ट कचहरी क्या होती है और इसे दूर रहने में ही ज्यादा बेहतरी है, और दोनों ही पक्षों ने माना कि इन मामलों को खत्म कर देना चाहिए और उन्होंने आपस में बैठ करके एक समझौता कर लिया जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच भी शामिल थे और उन सब ने उन दोनों ही पार्टीज के बीच में समझौता करवा दिया। अब दोस्तों, इस आधार पर इविडेंस की स्टेज पर भी सेक्शन 482 CRPC में क्वेश्चन के लिए पार्टी गई, यानी 21 पर्सन ने वहां पर एक पिटीशन डाली समझौते के आधार पर उस FIR को खत्म करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। दोस्तों, इस पिटीशन में लिखा गया था कि भाई हम दोनों ही पार्टीज का आपस में समझौता हो गया और भविष्य में हम बहुत ही प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहेंगे और बरतेंगे। अब कोर्ट ने देखा, अब सारी बातें सही थी, कोर्ट इसको क्वैश कर भी देती, लेकिन इसके अंदर एक जो टेक्निकल चीज थी वो थी इंजरीज, यानी कि गंभीर इंजरीज दिखाई गई थी, यानी कि चोटें दिखाई गई थी, अब उसका क्या करें। तो
तो कोर्ट ने यह माना कि भाई देखो अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो चोटें लगी भी हैं उसके लिए कोई भी विटनेस सामने नहीं आएगा, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी में समझौता हो गया तो किसी भी पार्टी की तरफ से विटनेस सामने नहीं आएगा। तो अकेले अगर डॉक्टर को विटनेस बना दिया गया तो सिर्फ उसकी गवाही से क्या होगा, यानी कि कम से कम जिसे चोट लगी है और बाकी जो लोग हैं उसके सपोर्ट में उन्हें विटनेस में आना पड़ेगा, गवाहियां देनी पड़ेंगी, तभी मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब ये तय है जब पार्टीज के बीच में आपस में समझौता हो गया है तो कोई भी विटनेस आने को तैयार नहीं होगा, और ऐसे में केवल प्रोसीडिंग्स अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ टाइम और टाइम ही वेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अननेसेसरी प्रोसीडिंग्स को ड्रैग करने का कोई भी फायदा नहीं है, कोर्ट का बहुमूल्य समय भी खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता और पार्टीज का भी कीमती समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी ये अब इसके बाद अनावश्यक रूप से होंगी। तो ये सब मानते हुए कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और ये FIR क्वैश कर दी गई, खत्म कर दी गई। तो दोस्तों अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इस जजमेंट को देखें तो इसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था और उन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोर्ट ने इस FIR को क्वैश कर दिया, वो भी समझौते के आधार पर। तो यानी कि आप भी अपने मामलों में ऐसा कर सकते हैं यदि आपने उस समय जोश जोश में मुकदमा कर दिया था या आपके ऊपर मुकदमा हो गया था और आज आप परेशान हैं, बहुत समय से आपका मुकदमा चल रहा है, तो इस जजमेंट का रेफरेंस लीजिए और अपने मुकदमे को खत्म कर दीजिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, और उसे बाहर आ जाइए। और आप लोगों के रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ के इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ, लेटेस्ट जजमेंट के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।